नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। अतीक अहमद के साम्राज्य के तकरीबन ध्वस्त होने के बावजूद कुछ सवाल और चर्चाओं ने माहौल बनाए रखा है, जैसे अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अब कहाँ है। सवाल इस पर भी है कि मीडिया में विभीषण बेपेंदी के लोटे से लेकर ऐसा कोई सगा नहीं जिसे गुड्डू ने ठगा नहीं, जैसे तमगों से नवाजा जा चुका बमबाज गुड्डू का नया आका अब कौन है, और वो अब तक पुलिस की पैनी निगाह से क्यों और कैसे बचा हुआ है। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद से यूपी पुलिस और एसटीएफ के हाथ यश तो कोई नहीं आ सका। हाँ, अतीक ब्रदर्स की लाइव हत्या ने उसकी फजीहत देश ही नहीं विदेश तक जरूर करा दी। अब भले ही सीएम योगी और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश मीडिया को इंटरव्यू या बयान देते घूम रहे हों, लेकिन इस सनसनीखेज वारदात के दो दिनों तक इन महारथियों की हालत किसी से छुपी नहीं है। शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम, ये वो दो अहम किरदार हैं जिनके बारे में कोई सटीक जानकारी होने से यूपी पुलिस और अमिताभ यश की एसटीएफ अभी तक महज लोकेशन के जरिए खाद छानने का दिखावा ही कर रही है। सूत्रों की माने तो इनकी सटीक जानकारी में हो रही देरी ने कई तरह के अफवाहों को जन्म दे दिया है, जो किसी भी तरह से पुलिस की साख पर एक नया पैबंद लगाने वाला हो सकता है। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम अशरफ के इत्ता बोलते ही अतीक अहमद और अशरफ पर गोलियों की बौछार हो गई थी, और सस्पेंस बना रह गया कि आखिर वह बताना क्या चाह रहा था। इस बारे में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक एंगल ये बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही असद को कार से उतरकर उमेश पाल पर फायरिंग के लिए उकसाया था, जबकि पिता अतीक और चाचा अशरफ ने कहा था कि वह शूटआउट में सामने नहीं आएगा। उसका कार से उतरना घातक साबित हुआ। अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि असद एनकाउंटर की मुखबिरी कर गुड्डू मुस्लिम ने ही असद और गुलाम की लोकेशन पुलिस को दी, और उसकी इस गद्दारी का पता बाद में अतीक को चल गया था। अब जबकि अतीक और उसका कुनबा तकरीबन जमींदोज हो चुका है, तो ऐसे में लाख टके का सवाल ये अब भी बना हुआ है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता अब तक कैसे बचने में कामयाब हो रहे हैं। इसकी असली वजह है क्या? कहने और दिखाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों में से एक और अतीक के करीबी माने जाने वाले गुड्डू की तलाश में आकाश पाताल एक किए हुआ है। किसी रोज उड़ीसा तो कभी नासिक और कर्नाटक तक गुड्डू की लोकेशन मिलने की खबरें चलती या चलवाई जा रही हैं। मानो गुड्डू मुस्लिम ना हुआ कोई अफलातून हो जो देश भर में कबूतर की तरह उड़ रहा है। वही कुछ ऐसा ही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के मामले में भी है, जिसे पुलिस और एसटीएफ बस ढूंढ ही रही है। अब इन दावों में कितना हकीकत है और कितना पुलिसिया फसाना, इसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि क्राइम की रिपोर्टिंग करने वाले जानते हैं कि कई मामलों में पुलिस अपने मुताबिक सही टाइमिंग के साथ कुछ गिरफ्तारियां मुठभेड़ से पर्दा उठाती है। अब गुड्डू मुस्लिम को लेकर कुछ दिनों से कुछ नई कहानियां चल रही हैं, जिसमें कुछ नए किरदारों ने एंट्री की है। इसलिए अब पुलिस गुड्डू के पहले के मालिकों के प्रति उसकी वफादारी के एंगल से भी जांच कर रही है। खासकर अशरफ के आखिरी शब्द ने इस बात को और हवा दी है। अभी पिछले दिनों प्रयागराज के पुलिस अधीक्षक नगर दीपक भुकर ने एक बयान में कहा भी था कि गुड्डू मुस्लिम पहले भी अपने बॉस की पीठ में छुरा घोंपने के लिए जाना जाता रहा है। हालांकि अतीक और अशरफ के बारे में जानकारी लीक करने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर यूपी के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक राजेश पांडे इससे इत्तेफाक नहीं रखते। वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गुड्डू मुस्लिम अतीक अशरफ का सबसे करीबी था। जब उससे पूछताछ की जाएगी तो वह अतीक की संपत्तियों, सेल कंपनियों और निवेश के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकता है, इसीलिए वह पुलिस की हिटलिस्ट में भी है। इस बीच एक नया एंगल बनकर लखनऊ के किसान नेता देवेंद्र तिवारी प्रकट होते हैं। उनकी कार पर गुड्डू मुस्लिम के नाम से एक चिट्ठी चिपकी मिली, जिसमें लिखा है कि इलाहाबाद में 20 लाख रुपए लाओ या मौत का सामना करो। तिवारी ने इस चिट्ठी के बारे में पुलिस कमिश्नर लखनऊ को लिखा और उन्होंने इसकी पुष्टि भी की है। दरअसल गुड्डू मुस्लिम की कहानी भी बड़ी फिल्मी है। इलाहाबाद यानी कि अब का प्रयागराज के शिवकुटी इलाके में जन्मे गुड्डू का अपराध से वास्ता उसके स्कूली दिनों से बताया जाता है। प्रयागराज पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसके चाल चलन से नाखुश उसके माँ बाप ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ भेज दिया था,
लेकिन सूत्रों ने कहा कि लखनऊ में भी गुड्डू धनंजय सिंह बाद में बहुजन समाज पार्टी के सांसद रहे और अभय सिंह अब गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक के साथ जुड़कर काम करने लगा, जो कई आपराधिक मामलों में आरोपी हैं और यूपी के सियासत से लेकर माफिया राज और ठेकेदारी में जाना माना नाम है। हालांकि इस मामले में विधायक अभय सिंह का कहना है कि गुड्डू कभी भी छात्र राजनीति में शामिल नहीं रहा और ना ही वह हॉस्टल में रहता था। इस बीच धनंजय सिंह ने दावा किया कि गुड्डू वास्तव में अभय सिंह का ही आदमी था। रिकॉर्ड के मुताबिक गुड्डू ने कथित तौर पर मार्च 1997 में पहली हत्या की थी। पीड़ित फ्रेडरिक जे गोम्स थे, जो लखनऊ के मशहूर ला मार्टिनियर स्कूल में सहायक वार्डन और पीटी टीचर हुआ करते थे। गुड्डू को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। राजधानी लखनऊ और एसटीएफ में तैनाती के दौर को याद करते हुए यूपी के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक राजेश पांडे कहते हैं कि उस दौर में लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र नेता बम हमलों के लिए गुड्डू का इस्तेमाल किया करते थे। ऐसा उस दौर में कई बार हुआ था। पूर्व आईपीएस पांडे ये भी बताते हैं कि वह एक बड़ा बम स्पेशलिस्ट था, जो बमबाज के नाम से जाना जाता था। गुड्डू केवल 5 मिनट में बम बना सकता है, अगर उसके पास सारी सामग्री उपलब्ध हो तो। एक थ्योरी के मुताबिक गुड्डू ने 90 के दशक में धनंजय सिंह और अभय सिंह के साथ काम करना शुरू किया। साथ ही वो मुख्तार अंसारी गिरोह से भी जुड़ा हुआ था। उसने अंबेडकर नगर के गैंगस्टर सत्येंद्र सिंह लंगड़ के साथ भी काम किया और उसका करीबी बन गया। अंबेडकर नगर और फैजाबाद, जो कि अब अयोध्या है, क्षेत्रों में सिंचाई और पीडब्ल्यूडी के ठेकों को लेकर गिरोहों के बीच झगड़ा आम बात रही है। सरकारी ठेकों को लेकर गैंगस्टर अजीत सिंह के खिलाफ गैंगवार में भी गुड्डू मुस्लिम का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल 90 के दशक में जब पूर्वी यूपी में माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने लंगड़ की हत्या की, तब उसकी जिप्सी का पीछा एक और गाड़ी द्वारा किया जा रहा था, जिसे गुड्डू चला रहा था। जैसे ही शुक्ला ने सत्येंद्र सिंह पर गोलियां बरसाई, गुड्डू, जो 100 मीटर की दूरी पर गाड़ी चला रहा था, अयोध्या के सरायरासी गांव में भागने में सफल रहा। माना जाता है कि 1998 में गुड्डू अयोध्या में मारे गए ठेकेदार संतोष सिंह के साथ मेल मिलाप बढ़ा रहा था, लेकिन बाद में उसकी हत्या हो गई, जिसके बाद गुड्डू को धोखेबाज यानी कि बैक स्टैबर का टैग मिल गया। हाल ही में गोसाईगंज विधायक अभय सिंह के सहयोगी रणधीर सिंह लल्ला ने एक न्यूज चैनल को बताया भी था कि लंबे समय के दोस्त धनंजय सिंह और गुड्डू ने संतोष सिंह की हत्या की साजिश रची थी और 1998 में उन्हें जहर देकर मार डाला था। उसी इंटरव्यू में लल्ला ने यह भी कहा था कि वह गुड्डू द्वारा पीठ में छुरा घोंपना जैसा ही था, जिसने अभय और धनंजय को आजीवन दुश्मन बना दिया। इसी मामले पर बात करते हुए लल्ला ने यह भी कहा कि उन्होंने सिर्फ वही कहा था जो उन्होंने उन घटनाओं के बारे में सुना था, जिसके वजह से संतोष सिंह की मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त बहुत छोटा था और मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा। मुझे बताया गया था कि संतोष इन लोगों के साथ गया था और कभी वापस नहीं आया। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने इंटरव्यू में लल्ला द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। धनंजय के मुताबिक लल्ला अभय सिंह का करीबी है और अभय मेरे एक प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से लल्ला मेरे बारे में बुरा ही बोलेगा। धनंजय के मुताबिक मूल रूप से गुड्डू मुस्लिम अभय सिंह का करीबी सहयोगी था और अगर आपको याद हो तो अभय, गुड्डू और एक और सहयोगी मदन को जौनपुर पुलिस ने 90 के दशक में एक पेट्रोल पंप लूटने के लिए बुक किया था। तीनों कुछ समय के लिए जेल में भी रहे, अभय 1 महीने के लिए, जबकि गुड्डू उस समय 3-4 महीने जेल में रहा था। यानी कि गुड्डू मुस्लिम के जरिए यूपी की सियासत और जरायम की दुनिया में अब रोज कोई ना कोई राज खुलते ही रहेंगे। न्यूज चैनल आज तक के साथ साक्षात्कार में लल्ला ने ये आरोप भी लगाया था कि वो गुड्डू ही था जिसने श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में एसटीएफ को जानकारी लीक की और अपने बॉस को फिर से छुरा घोंपा। पुलिस को तब श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर लेने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे, जो तब एसटीएफ का हिस्सा हुआ करते थे, उनका कहना है कि उन्होंने वास्तव में गुड्डू को श्री प्रकाश शुक्ला की ताकत, पहचान, मारक क्षमता और चाल चलन के बारे में पूछताछ करने के लिए उठाया था। पांडे ये भी खुलासा करते हैं कि गुड्डू से उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में पूछताछ की गई थी।
हालांकि सितंबर 1998 में शिव प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बाद गुड्डू ने कथित तौर पर ISI एजेंट और दाऊद इब्राहिम के सहयोगी परवेश टांडा के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जिससे गोरखपुर जेल में रहने के दौरान उसकी दोस्ती हुई थी। साल 2000 में गोरखपुर पुलिस ने गुड्डू को बिहार की बेऊर जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था और उसे NDPS अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले के सिलसिले में UP लाया गया था। हालांकि अतीक अहमद की बदौलत जमानत पर रिहा होने से पहले उसने कुछ महीने ही जेल में बिताए थे। उसके वकीलों का खर्चा अतीक ने ही तब उठाया था। अब जबकि गुड्डू मुस्लिम पुलिस की पकड़ से दूर है और बचे खुचे माफिया गुड्डू से जुड़ी नई नई जानकारियां दे रहे हैं, तब ऐसे में बेपेंदी के लोटा बन चुके गुड्डू की गिरफ्तारी बहुत से राज से पर्दा उठा सकती है। धन्यवाद।